हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वरेनियम आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। आज हमारे बीच स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे गिलोय के पौधे, उसके गुणों के बारे में, कब यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में गिलोय का यूज करना चाहिए, किन रोगियों को यूज नहीं करना चाहिए। पूरी वीडियो में अंत तक आप देखें और फिर उसके बाद अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें। सबसे पहले हम बात करेंगे गिलोय के। गिलोय एक बेल के रूप में, लता के रूप में होती है। बड़े पेड़ों के सहारे, आम है या फिर शीशम है, इनके सहारे है, नीम है, इनके सहारे ऊपर चढ़ जाती है। बरसात के दिन में तो इसका एक स्टेम का छोटा सा हिस्सा काट के जमीन में हम डाल देते हैं तो उसी से ही गिलोय फूट जाती है और यह लता का रूप ले लेती है। चौड़े चौड़े पान की तरह इसके पत्ते होते हैं, हार्ट शेप, हृदयाकृति इसके पत्ते होते हैं, इसकी पहचान ही है। और यह जो है इसका तना जो है उसको मेन यूज हम तने का करते हैं। पहले हरा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी तो पुराना होता जाता है, तो यह मुड्डी हो जाता है और भूरे रंग का हो जाता है। इसका मुख्य यूजफुल पार्ट इसका तना और इसके पत्ते होते हैं। लाल रंग का इसका फल आता है और फिर उसमें बीज होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किन किन रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, किन रोगियों को इसका प्रयोग कम करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आज हर किसी को इम्यूनिटी की आवश्यकता है। वायरस का टाइम चल रहा है, लगातार वायरसेस बैक्टीरिया अगर बॉडी पर अटैक करते हैं, अगर बॉडी की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है तो हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। तो गिलोय का प्रतिदिन सेवन, चाहे चूर्ण, चाहे टैबलेट आती है, चाहे हम इसका क्वाथ बना कर लें, उससे हमारे शरीर की बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, गिलोय का पौधा है बुखार के लिए भी बहुत अच्छा है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का टाइम चलता है तो यह शरीर के अंदर आम का पाचक होता है। बुखार में आम जो होता है वह मुख्य होता है, आम रस बन जाता है, उसका पाचक होता है। तो इससे बुखार है जो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया उसमें है बहुत अच्छा है गिलोय का सेवन करना। तीसरा, बच्चों के अंदर अच्छा ब्रेन टॉनिक है, मेमोरी को बढ़ाता है, मेमोरी शार्प होती है अगर गिलोय का लगातार प्रयोग करते हैं। तो जिन बच्चों को कम याद रहता है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, उनको अगर प्रतिदिन सुबह गिलोय का रस देते हैं तो मेमोरी शार्प होती है। इसका प्रयोग जो है शुगर के रोगियों के लिए भी किया जाता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। पर यह ध्यान रखना है शुगर की लगातार मॉनिटरिंग करनी है, कहीं शुगर लेवल ज़्यादा कम हो जाए और उससे पेशेंट को चेक कराना या अन्य उल्टी दस्त दिक्कत हो सकती है, उस चीज़ की लगातार हमें मॉनिटरिंग करनी है ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स जिनमें हाई रहता है। इसके अलावा जो जॉन्डिस के पेशेंट हैं, कांबला के पेशेंट हैं, जिनमें बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा है, अगर वो भी सुबह खाली पेट गिलोय का रस है शहद मिलाकर लेते हैं तो पीलिया जो है कांबला जॉन्डिस को उसमें काफ़ी फायदा है। जिन रोगियों को भूख नहीं लगती, यह अच्छा दीपनीय द्रव्य है, हमारे पेट की अग्नि को बढ़ाता है, तो खाली पेट इसका रस लिया जाए या चूर्ण लिया जाए या अमृता सतो के नाम से यह बनता है उसका सेवन किया जाए तो यह इससे भूख लगनी बढ़ जाती है। ओवरऑल हेल्थ टॉनिक रसायन के रूप में बोला गया है, इसका अगर प्रतिदिन सेवन किया जाए तो हम बहुत सारे रोगों से बच के दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आंखों के लिए भी अच्छा है, त्रिफला को मिक्स करके गिलोय चूर्ण के साथ अगर हम प्रतिदिन लेते हैं तो हमारी आईसाइट है वो भी बढ़ती है, आँखें मजबूत होती है, दृष्टि हमारी मजबूत होती है। इसके अलावा यह है ओवरऑल जो हमारे है शरीर का विकास करता है, एक ऐसा द्रव्य है जिसका अगर हम प्रतिदिन सेवन करें तो बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि सब तक यह स्वास्थ्य लाभ पहुँच सके।